Bismillahir Rahman Rahim. As you know, we are studying geography, and chapter number seven, and we are discussing about earthquakes. In the previous class, we have studied about Mercalli scale and Richter scale. So I will give you a brief recap of both these scales. Richter scale, मैंने आपको बताया था कि Richter scale is used to record the magnitude or size of an earthquake, which was invented by American seismologist in 1935. And the Mercalli scale was invented by Italian seismologist, which was based on people's observation. So in both these scales, Richter scale is comparatively more authentic because in Mercalli scales, sometimes people exaggerate or not tell the actual damage caused by an earthquake. So आइए start करते हैं next lecture, जिसमें आपको बताया जाएगा कि earthquakes से जो damages हैं, कौन कौन से ऐसे world earthquakes हैं, वर्ल्ड अर्थक्वेक्स इन टर्म्स ऑफ डैमेज. और इसके साथ आप जहन में वो भी रखिएगा जो मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ डेट बाउंड्रीज हैं और कहाँ कहाँ मेजर अर्थक्वेक्स आए हैं इन टर्म्स ऑफ डैमेज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी. तो ये पहला टेबल है ये आपको शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू Mercalli स्केल्स. और Mercalli स्केल आपको मैंने बताया था जिसमें इंटेंसिटी और डैमेज देखा जाता है कि अर्थक्वेक के दौरान कितना डैमेज हुआ. ये ऑर्डर वाइज टॉप 10 लार्जेस्ट अर्थक्वेक्स हैं इन टर्म्स ऑफ डैमेज. तो जो फर्स्ट अर्थक्वेक है इन टर्म्स ऑफ डेथ स्पेशली चाइना में इन 1556, जिसमें अराउंड 8,30,000 डेथ्स हुई. ठीक है, चाइना इज अगेन ऑन द वर्ज ऑफ पैसिफिक प्लेट. ठीक है, हेटी इज इन कैरेबियन आइलैंड्स. और 2010 में जो अर्थक्वेक आया उसमें 3,16,000 डेथ्स हुई. इसी तरह टर्की में वे बैक इन 115 में जो अर्थक्वेक आया उसमें 2,60,000 डेथ्स हुई. अगेन टर्की में जो अगेन वेरी ओल्ड अर्थक्वेक 525 में जो अर्थक्वेक आया उसमें 2,50,000 डेथ्स हुई. चाइना में 1976 में जो अर्थक्वेक आया उससे जो डैमेजेस अर्थक्वेक जो की वजह से जो अमवात हुई वो तकरीबन 2,42,000. इसी तरह अजरबैजान अनदर कंट्री इन सेंट्रल एशिया 1139 में जो अर्थक्वेक आया उसमें 2,30,000 डेथ्स हुई. इंडोनेशिया अगेन अनदर कंट्री ऑफ एशिया एंड विच इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक प्लेट विच इज द लार्जेस्ट पैसिफिक प्लेट टेक्टोनिक प्लेट. इसमें जो अर्थक्वेक आया 2004 में उसमें 2,28,000 तकरीबन डेथ्स हुई. ईरान में 856 में जो अर्थक्वेक आया था उसमें 2,00,000 डेथ हुई. ईरान, मैंने अगर ईरान की लोकेशन आप देखें तो मैंने आपको जो सेकंड लार्जेस्ट सिस्मिक बेल्ट बताई थी अल्पाइन हिमालयन बेल्ट उसके करीब उसकी लोकेशन उसकी ईरान की लोकेशन उधर है. चाइना में जो 1920 में अर्थक्वेक आया उसमें भी तकरीबन 2,00,000 डेथ हुई. इसी तरह अर्मेनिया अनदर कंट्री इन एशिया विच इज लोकेटेड अराउंड द यूरोपियन और एशियन बॉर्डर 893 में जो अर्थक्वेक आया उसमें 1,50,000 डेथ हुई. जापान अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्री लोकेटेड ऑन द पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट इन 1923 में जो अर्थक्वेक आया उसमें 1,42,000 डेथ हुई. तो ये जो टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ डेथ्स हैं या इन टर्म्स ऑफ डैमेज जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक्स हैं टॉप 10 लार्जेस्ट अर्थक्वेक ये अकॉर्डिंग टू Mercalli स्केल्स हैं जिसमें या तो जो डैमेज कॉज होता है उसकी वजह से जो अर्थक्वेक्स को Mercalli स्केल की बेस पे ये अर्थक्वेक्स टेबल शो किया गया है. तो आइए देखते हैं जो अर्थक्वेक इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी है यानी कि टॉप 10 लार्जेस्ट अर्थक्वेक्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. तो हम कह सकते हैं आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ Richter स्केल. Yeah, as I told you that Richter scale was invented by American seismologist in 1935.
these are the top 10 largest earthquakes, world largest earthquakes since 1935, after the invention of Richter scale. The first and the topmost is the highest magnitude earthquake ever recorded on the earth. That is on in Chile in 1960. 1960 में अभी तक जो सबसे magnitude के point of view से जो सबसे intense earthquake है, जो सबसे largest earthquake है 9.5. इसलिए मैंने आपको बताया था जो Richter scale है उसकी जो range है वो 0 से 9.5 है, क्योंकि इससे above जो intensity वाले earthquake है never recorded on the earth. Again, Chile is located on the Pacific plate. तो ये अगेन हमारी जो वो सब उसको सपोर्ट कर रहा है जो पैसिफिक प्लेट के अराउंड जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, दैट इज द लार्जेस्ट एक्टिव टेक्टोनिक सिस्मिक बेल्ट. सेकेंड लार्जेस्ट अर्थक्वेक इन 9.2 अलास्का, विच इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ यूएसए, 1964 में आया. इंडोनेशिया अगेन लोकेटेड ऑन द पैसिफिक प्लेट 9.1 का थर्ड नंबर पे 2004 में. दिस अर्थक्वेक जनरेटेड one of the major cause of tsunami, famous tsunami incident in 2004 in Indian Ocean. Japan 9.1 ka intensity wala earthquake hai 2011 mein. Japan aapko pehle bhi mention kiya, pichhi side mein bhi, Japan is also located on the verge, located on the Pacific plate. Russia, again Russia is also located near Pacific plate. In 1952 mein 9 iski shiddat thi, intensity thi, magnitude tha, wo 9 tha. Again Chile mein aap dobara dekhe to 8.8 mein jo earthquake aaya, 2010 mein jo earthquake aaya uski intensity 8.8 thi. Alaska USA mein again 8.7 1965 mein. Tibet, which is located on the alpine Himalayan belt, Himalayas के पास एरिया है, इन अगेन 8.6 इंटेंसिटी का 1950 में. इंडोनेशिया में फिर 8.6 का 2012 में, और अगेन इंडोनेशिया में 2005 में 8.6 का. तो अगर आप इन कंट्रीज को ऑब्जर्व करें, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डेथ्स हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक है, तो इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं, चिली, यूएसए, इंडोनेशिया, जापान, रशिया, चिली, अगेन यूएसए, तिब्बत, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया अगेन. And in terms of death, you can see China, again Indonesia, and Japan. So, these countries located hain around Pacific belt, yahan earthquakes bahut zyada frequent hain. Theek hai, ye Chile ki location Pacific belt ke around, Alaska, ye yahan Alaska located hai is jagah pe. Isi tarah ye Russia, theek hai, ye China areas. और फिर इंडोनेशिया, और ये ऊपर सॉरी जापान रह गया, जापान और ये इंडोनेशिया. तो ये वो कंट्रीज की जो आपने पिछले दो टेबल्स में देखी, जहाँ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एक्टिविटी जनरेट हो रही है. और इसी तरह जो कुछ एरियाज मेंशन किए हमने, ईरान के, तिब्बत एरिया और टर्की, जहाँ इन टर्म्स ऑफ डेथ जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक थे. तो ये जो दो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि आपको प्रीवियस सेक्शन में बताई गई थी, वहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आए, और जो टॉप 10 अर्थक्वेक्स से इन टर्म्स ऑफ डैमेज और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के अकॉर्डिंगली. तो इन दो बड़ी प्लेट्स के अराउंड जो दो बड़ी सिस्मिक एक्टिव बेल्ट्स हैं, एक तो आपको बताया था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ बहुत सारी आपको कंट्रीज अभी मैंने मेंशन की हैं जो कि इस प्लेट के अराउंड हैं, और दूसरी जो एक्टिव, जहाँ वन major 17% of the largest earthquake recorded on this plate, alpine Himalayan belt. यहाँ भी आपको कुछ countries mention की गई जहाँ top 10 earthquakes record किए गए हैं. और अगर आप इन दो tables को दोबारा से अगर देखें, तो अगर मैंने आपको ये भी बताया था, जरूरी नहीं कि 9.5 वाला जो Chile में जो ever highest ever recorded earthquake है, उससे आप देखें इस top 10 में आपको नजर नहीं आ रहा है in terms of deaths या in terms of damage. उसके लिए भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए थे विच आर अफेक्टिंग दी इंटेंसिटी या डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ द अर्थक्वेक. उसमें बताया था कितनी हाईएस्ट मैग्नीट्यूड के अलावा उसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं, कि कितना एपिसेंटर से वो दूर है एरिया, इसका डेप्थ ऑफ फोकस क्या है,
फिर उसकी जियोलॉजी ऑफ द रॉक्स किस तरह की है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, या उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है। तो ये सारे फैक्टर्स भी साइमल्टेनियसली एक डिपेंड करते हैं कि जरूरी नहीं कि एक हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक जो है वो डैमेज भी बहुत ज्यादा कॉज करे। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें कुछ चीजें बताई गई हैं कि इम्पैक्ट्स ऑफ कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स हैं, अफेक्ट्स हैं अर्थक्वेक के ऑन ह्यूमन बींग्स पे। तो हाउ अर्थक्वेक्स आर इम्पैक्टिंग या अफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले एज यू नो अर्थक्वेक्स अफेक्ट्स पीपल लैंड और नेचर इन वेरियस वेज। फॉर एग्जाम्पल एज यू नो देर आर नंबर ऑफ डेथ्स एंड इंजरीज ड्यू टू द अर्थक्वेक एक्टिविटी। जिस तरह अभी हमने टॉप 10 अर्थक्वेक्स भी देखे इन टर्म्स ऑफ डेथ्स, बहुत ज्यादा लोग इसमें बेचारे मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इंजरीज हो जाती हैं यानी कि जख्मी होते हैं। इसी तरह डेथ्स और इंजरीज के अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट अफेक्ट है अर्थक्वेक का ऑन ह्यूमन बींग्स वो है साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स हैं। लोगों में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक के जलजले के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेस या पैनिक भी पाया जाता है कि कहीं दोबारा ऐसी एक्टिविटी दोबारा ना हो, अर्थक्वेक दोबारा ना आए। बहुत ज्यादा लोग खौफजदा हो जाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स भी आते हैं तो लोग जो है मुस्तकिल खौफजदा रहते हैं कि अर्थक्वेक कब आया और जहाँ आज आया कल आया, उससे भी बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है। तो साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अफेक्ट बाय एन अर्थक्वेक। फिर आप देखें बहुत सारी स्ट्रक्चरल डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपकी खत्म हो जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, जिसमें रेलवे रोड नेटवर्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचता है, एयरपोर्ट्स भी ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम में आपकी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो इंस्टॉलमेंट है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो टावर्स हैं, जो टावर्स इंस्टॉल्ड होते हैं कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ मोबाइल कंपनीज के, वो भी डैमेज होते हैं। इस तरह कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पहुंचता है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को भी देखें, अगर आपकी आपकी कंट्री की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुँच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुँच रहा है, तो इसी तरह अगर आप देखें तो ओवरऑल एक इकोनॉमिक लॉस है कंट्री को, किसी भी कंट्री को जहाँ अर्थक्वेक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो एक कंट्री जो इकोनॉमिकली बहुत पीछे चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल फाइनेंशियल डैमेज होता है इस इन नुकसान की वजह से, जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, और जो इंपॉर्टेंट आपका नेटवर्क है चाहे वो नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो चाहे कम्युनिकेशन हो, तो इकोनॉमिकली जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं इंसानों की जो कीमती जानों का ज़िया है, उसके अलावा जो दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट अफेक्ट है अर्थक्वेक का वो इकोनॉमिक लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है। इसी तरह जो पाइपलाइंस हैं, बहुत सारी पावर लाइंस हैं, चाहे वो गैस की पावर सप्लाई की हो, बिजली की पावर सप्लाई की हो, उसको भी अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है, जिससे आपकी जो आग है वो भी बहुत सारी आग भी बहुत सारी जगहों पे आग भी लग जाती है, जिससे और भी बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। तो आग लगने की वजह भी बस बहुत सारी जगहों पे अर्थक्वेक की भी एक रीज़न है, स्पेशली जहां गैस की पाइपलाइंस हैं उसको अगर डैमेज पहुंचे तो उससे भी बहुत सारी जगह पे आग लगती है। इसी तरह फ्लड्स भी समटाइम्स अर्थक्वेक की वजह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डैम में जो पानी है, अगर डैम को नुकसान पहुँचे, डैम अर्थक्वेक की वजह से अगर डैमेज होगा, तो उसमें जो वाटर आपने स्टोर किया हुआ है वो भी बहुत सारे एरियाज में फ्लड भी कॉज करता है। इसी तरह अगर आप देखें तो जो चेंजेस इन लैंडफॉर्म, ये तो वो डैमेजेस हो गए पहले जो 4-5 मेंशन है, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं सोशल इम्पैक्ट्स भी आप इन्हें कह सकते हैं और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी हैं इनमें, और फिर जो आखिर के जो 3 इम्पैक्ट्स हैं जिसमें आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स अगर आप देखें तो आपको पहले भी मेंशन किया गया था कि जो एक तो बहुत विजिबल इम्पैक्ट्स आप गौर से आप इजीली ऑब्जर्व करते हैं टीवी में, या कुछ लोग प्रैक्टिकली भी से देखते हैं,
क्रैक्स इन द अर्थ सरफेस, बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो ये जो क्रैक्स हैं ये तो बहुत ज्यादा विजिबल है, इससे भी लैंडफॉर्म चेंज होती है। लैंडफॉर्म की अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट टाइप्स, सिक्स क्लास में भी आपने पढ़ी होंगी, जो थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स, इनमें भी चेंजेस आती हैं। तो वैसे भी आपको बताया गया था जो माउंटेन की जो कंस्ट्रक्शन है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया जो माउंटेन्स बिल्डिंग प्रोसेस है उसमें भी अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट, जो अर्थक्वेक टेक्टोनिक मूवमेंट है, एक्टिविटी है, दैट इज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसी तरह जो ट्रेंचेस की फॉर्मेशन है, अगेन ट्रेंच इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ लैंडफॉर्म, टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, तो उसमें भी ट्रेंचेस की जो फॉर्मेशन है उसमें भी टेक्टोनिक एक्टिविटी का रोल है। तो इस तरह जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं या जो चेंजेस हैं जो नेचुरल फिनोमेनाज में, नेचुरल लैंडफॉर्म्स में, उसमें भी अर्थक्वेक अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह अर्थक्वेक से जो लैंडस्लाइड, अगेन वन ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, तो लैंडस्लाइड्स भी बहुत सारी जो है उसकी भी जो स्टार्टिंग इनिशिएटिंग पॉइंट है वो भी अर्थक्वेक से की वजह से भी बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होती हैं। आपको पहले भी पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि लैंडस्लाइड्स की एक जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो हैवी रेनफॉल है, लेकिन हैवी रेनफॉल के अलावा अर्थक्वेक आल्सो कॉजिंग लैंडस्लाइड्स इन माउंटेनियस एरियाज। और थर्ड जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो है सुनामीज। अभी मैंने आपको पिछली साइड में मेंशन किया जो 2004 में इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक आया, उस जिससे अगेन इंडोनेशिया की जो लोकेशन है वो पैसिफिक प्लेट के अराउंड है, जिसकी वजह से इंडियन ओशन में जो सुनामी जनरेट हुआ। तो सुनामी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी कि सुनामी क्या है। सुनामी मैंने आपको वैसे ब्रीफ सा डेफिनेशन बताई थी। सुनामी इज अ वायलेंट ओशन स्ट्रोम विच इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक एक्टिविटी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अर्थक्वेक के किस तरह हो सकते हैं? अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखें तो वैसे तो बहुत ज्यादा अनयूजुअल लगता है कि अर्थक्वेक की वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। सुनने में बहुत ज्यादा अजीब सी लगती है, लेकिन अगर आप को मैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट बताऊंगा तो आप कहेंगे हाँ वाकई ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं अर्थक्वेक के। फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक एक्टिविटी की वजह से कुछ मिनरल्स अर्थ में, अर्थ सरफेस में क्रैक्स पड़ने की वजह से कुछ मिनरल्स एक्सपोज हो जाते हैं, जो कि समटाइम्स हैवी मशीनरी की वजह से भी आप नहीं निकाल पाते, और कुछ ज़्यादा डिटेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कि कहाँ मिनरल ज़मीन के नीचे मौजूद हैं और कहाँ नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए जियोलॉजिस्ट तलाश करने के लिए बहुत सी जगहों पर ड्रिलिंग भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि यहाँ अर्थक्वेक हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, लेकिन इसमें बगैर मशीनरी इन्वॉल्व किए हुए, बगैर जियोलॉजिस्ट की हेल्प किए हुए आप समटाइम्स ऐसे मिनरल्स भी एक्सपोज हो जाते हैं जो कि आपके लिए, आपकी कंट्री के लिए जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो है मिनरल्स की, मिनरल का सरफेस पे एक्सपोज होना। ठीक है, तो इजीली वो मिनरल फिर आप मिनरल उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है। और इसके अलावा समटाइम ऐसा भी होता है जो माइनर अर्थक्वेक्स आते हैं उसकी वजह से जो मेजर अर्थक्वेक्स हैं उनके आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जिन इलाकों में माइनर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं तो उन इलाकों में अक्सर यही होता है कि वहाँ जो मेजर अर्थक्वेक एक्टिविटी है उसके भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है मेजर माइनर अर्थक्वेक्स, मैंने पहले भी आपको बताया माइनर अर्थक्वेक्स तो बहुत से लोगों को 5 रेक्टर स्केल पर जो 5 से नीचे वाले अर्थक्वेक हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को फील भी नहीं होते और डैमेज भी नहीं कॉज करते। तो इस अगर माइनर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके मेजर अर्थक्वेक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसी तरह जो तीसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक मैंने आपको बताया था सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं, और सिस्मिक वेव्स की ही वजह से हम जो अर्थक्वेक की जो थ्री इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं जो मैंने आपको बताई थी, क्रस्ट, मेंटल कोर, और जो सिक्स क्लास में आपने डिटेल में पढ़ी, क्रस्ट, मेंटल कोर, और ये भी बताया गया इनकी जो फर्दर डिवीजन थी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर,
उसमें भी ये भी बताया गया कौन सी लेयर सॉलिड है, कौन सी सेमी लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, कौन सी लेयर बिल्कुल ही टोटली लिक्विड है। तो इन लेयर्स का जो बारे में भी हमें सिस्मिक वेव्स के थ्रू पता चलता है, जिसमें सिस्मिक वेव्स में आपको बताया गया था कि कौन कौन सी लेयर्स में जो सिस्मिक वेव्स हैं वो कौन सी वेव किस वेव्स में लेयर में मूव कर सकते हैं, कौन से मीडियम में मूव कर सकती है। तो इस तरह बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स के अलावा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी सामने आए क्विक से, ऑल्दो के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत कम हैं। अर्थक्वेक एक ऐसी कुदरती आफत है जिसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह सुनामी, जो कि अभी मैंने डेलिबरेटली सुनामी जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, सुनामी को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा जो कि सबसे चैप्टर का जो आखिरी सेक्शन है, आखिरी हेडिंग है, वो है प्रिवेंटिव मेजर्स, हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस क्लाइमेट चेंज के जो जो भी हमने इस क्लास में जो नुकसानात जो के इम्पैक्ट से वो हमने डिस्कस किए, लेकिन उन नुकसानात को किस तरह कम किया जा सकता है, किस तरह उन नुकसानात से बचा जा सकता है, बहुत सारे इम्पैक्ट से हम बच भी सकते हैं और कुछ नुकसानात को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। और चूंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान भी उन्हीं एरियाज में से एक है जहां आर्थिक आते हैं, स्पेशली अपर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और इस्लामाबाद भी आपको मालूम है, इस्लामाबाद में भी आपने बहुत सारे अर्थक्विक्स फील किए हैं, महसूस किए हैं, तो हमें भी वो सारे मेजर्स पता होने चाहिए कि अर्थक्विक से जब ड्यूरिंग अर्थक्विक आफ्टर द अर्थक्विक कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन से स्टेप हम लेने चाहिए ताकि नुकसानात जल्दी से कम हो सकें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और स्पेशली जब अर्थक्विक आए तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कि हमें किस तरह बचना चाहिए, अल्लाह ताला हमें इन कुदरती आफात से महफूज रखे, कोरोना से ही बचाए, और स्पेशली अर्थक्विक से जिसकी प्रेडिक्शन इम्पॉसिबल है फिल वक्त, तो इन सब हादसा से इन सब कुदरती आफात से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फराए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।